हेलो एवरीवन, आज हम लेके आए हुए इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट सेकंड लेके आए हुए। ओके, अभी तक आपने इलेक्ट्रॉनिक का कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया था, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं वो पढ़ लिया था, वैलेंसीज क्या होती है वो पढ़ लिया था। आज हम जो बात करने वाले हैं वो पार्ट सेकंड के अंदर बात करने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक्चुअल इंट्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो दैट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ऑर्गेनिक क्या होता है, तो आपका सिंपल है, ऑर्गेनिक जो वर्ड्स है आपका, तो व्हाट डज द वर्ड मीनिंग ऑफ ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मीन्स क्या होता है, तो है ना, तो ये मतलब इन शॉर्ट में ऑर्गेनिक का मीनिंग क्या होता है, आपका लाइफ होता है। शॉर्ट अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक का मीनिंग क्या होता है, लाइफ, लाइफ से रिलेटेड होता है आपका, इन शॉर्ट मीनिंग अगर हम बात करें तो। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द डिराइव्ड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अभी तक हमने इन्वेंशन जो किया है, बात अलग है कि अब जो इन्वेंशन हो रहे हैं वो ऑर्गेनिक का लिविंग ऑर्गेनिज्म से बात अलग है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, पहले ऑर्गेनिक का कंसेप्ट अभी समझ लो क्या है। तो फिलहाल ऑर्गेनिक वर्ड कहाँ से आया है, ऑर्गेनिक वर्ड आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म से आया है जो लाइफ सोर्स के ऊपर डिपेंड होती है। अब ये बात चेंज हो गई है कि सिर्फ लाइफ सोर्स ही नहीं है, कि हम ऑर्गेनिक अनलाइफ सोर्सेज से भी निकाल सकते हैं जो लाइफ सोर्सेज के ऊपर डिपेंड नहीं है, हमने प्रिपेयर किए ऐसे सोर्सेज से, तो ऐसे सोर्सेज से भी ऑर्गेनिक का वर्ड निकला गया है बाद में। लेकिन जो पहली डेरिवेशन, जो पहला मीनिंग था, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था कि ऑर्गेनिक क्या है, तो ऑर्गेनिक लाइफ रिसोर्सेज से मीनिंग से आया हुआ वर्ड है। ओके, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, सिंपल लॉजिक में इट इज़ अ स्टडी ऑफ ए कंपाउंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकाले हुए सारी चीज़ों के ऊपर जो स्टडी होती है वो होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ओल्ड डेफिनेशन। ओके, ओल्ड डेफिनेशन के ऊपर फोकस रखना है अभी आपको। इन शॉर्ट में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंटेंस कार्बन होते हैं। क्या होते हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कंटेंट कार्बन होते हैं। कंटेंस कार्बन कंपाउंड में इट शो द कैटेनेशन एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू कंबाइन टू फॉर्मिंग अ लॉन्ग चेन। ओके, अब इट शो द कैटेनेशन प्रॉपर्टीज। कैटेनेशन प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू कार्बन एटम्स टू कंबाइन द फॉर्मिंग अ लॉन्ग चेन। जो आपकी प्रॉपर्टीज होती है लॉन्गेस्ट चेन फॉर्म करने की, वो एबिलिटी होती है इसके अंदर। ओके, कैटेनेशन इज द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म द लॉन्गेस्ट चेन इन ऑफ आइडेंटिकल एटम्स, ऑफ आइडेंटिकल एटम्स। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कैटेनेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, तो इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ए लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन फॉर्म करता है ये आपका आइडेंटिकल एटम्स की, जैसे कि कार्बन कंपाउंड्स हो गए। ओके, कोई भी एटम्स एटम हो गए, इन शॉर्ट में सेल्फ लिंकिंग आप बोल सकते हो, सेल्फ लिंकिंग, सेल्फ लिंकिंग होते हैं आपके एक दूसरे के एटम के साथ, दैट इज कॉल्ड कैटेनेशन प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग से। अब सिर्फ कैटेनेशन प्रॉपर्टी आपका कार्बन ही नहीं दिखाता, कैटेनेशन प्रॉपर्टीज सब नॉन मेटल्स भी शो करते हैं। लेकिन अगर मैं मैक्सिमम बात करूँ तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी मैक्सिमम आपकी होती है कार्बन के अंदर, मैक्सिमम कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहाँ पर होती है, कार्बन के अंदर। दैट इज द रीजन मिनी कंपाउंड का इन्वेंशन हुआ है कार्बन केमिस्ट्री के अंदर, इसीलिए कार्बन केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल के जाना जाता है। तो इन शॉर्ट में अगर आप, मैं आपको एक वर्ड स्टेटमेंट कह दूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कार्बन केमिस्ट्री भी बोल सकते हो इन शॉर्ट में। ओके, तो डेफिनेशन ये बन जाएंगी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कार्बन केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ ए कार्बन कंपाउंड्स। सो इज दैट क्लियर, आपसे क्लियर हो गया आपका। इंट्रोडक्शन देख लीजिए क्या होता है, तो व्हाट आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, व्हाट आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड्स कंटेन विच कार्बन। सिंपल लॉजिक है कि कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक के, जिस कंपाउंड में कार्बन होते हैं वो सारे के सारे कंपाउंड्स आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, CH4 मीथेन है आपका, C6H12O6 आपका ग्लूकोज है, ये दोनों भी एग्जाम्पल जो है आपके किसके एग्जाम्पल है। अब तीसरा आ गया एथिल अल्कोहल आ गया, ये तीनों भी एग्जाम्पल है जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड है। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कंपाउंड से आपके। ओके, सो और एक देख लिया, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड आ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया, सोडियम कार्बोनेट आ गया। अब ये कंपाउंड भी क्या कर रहे हैं, कार्बन से रिलेटेड है ये कंपाउंड भी, सोडियम बाइकार्बोनेट आ गया, ये अभी भी कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड आ रहा है। अब आप क्वेश्चन ये भी आएगा कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट कैन ऑल्सो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये भी अमोनियम कार्बन नाइट्रेट कंपाउंड, नाइट्रो ऑक्साइड कंपाउंड आ गया आपका। एक तरफ मैं सोडियम क्लोराइड डाल रहा हूँ, HCl डाल रहा हूँ, H2SO4 डाल रहा हूँ, NaOH डाल रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने फोकस किया है कार्बन के ऊपर, जहाँ जहाँ पे कार्बन है वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आ रहे हैं। तो कंपाउंड विच कंटेन कार्बन, दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट यहाँ पे
क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड से नीचे जो ऊपर की तीन है वो तो डेफिनेटली कार्बन कंपाउंड्स है, कार्बन कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट क्या कार्बन डाइऑक्साइड से नीचे ये कंपाउंड्स आपके ऑर्गेनिक में आते हैं क्या, ये जानना जरूरी है। बिकॉज दे आर शोविंग अस सम प्रॉपर्टीज लाइक अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने इसको क्लासीफाइड किया था, दे आर शोविंग अस सम प्रॉपर्टी लाइक अ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, सो इसीलिए बट जो क्वेश्चन आया बट नाम का आप देख लीजिए, सीओ सीओ टू मेटल कार्बोनेट से एंड बाय कार्बोनेट से साइलेंट्स आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, सो दे कंटेन्स कार्बन बिकॉज दिस कंपाउंड डू नॉट फॉलो द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कुछ आपके मेटल कार्बोनेट्स, बाय कार्बोनेट्स, साइनेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में काउंट होते हैं, जिसके मैंने आपको बोला था, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। क्या नहीं शो करते? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी को शो नहीं करते, एंड दैट इज द रीज़न आपको ये जो ब्रैकेट आपका जो सो द करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड इज, आपको उठा के उनको कहाँ डालना है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डालना है। तो हमारी जो डेफिनेशन थी कि एवरी कार्बन कंपाउंड इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज नॉट राइट। ओके, द सम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच इज कंटेन कार्बन रिलेटेड एंड कार्बन ऑर्गेनिक प्रॉपर्टी मस्ट बी शोइंग देयर। ओके, दैट इज अ कंपाउंड व्हिच इज नोन एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन से रिलेटेड है, एवरी कार्बन कंपाउंड इज नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, बट ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट बी अ कार्बन कंपाउंड। गाइस समझ लो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन कंपाउंड्स तो होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हर कार्बन कंपाउंड्स ऑर्गेनिक होगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बन नाइट्रो मोनोऑक्साइड कंपाउंड, ओके, ऐसे आपका आ गया अमोनियम कार्बन मोनोऑक्साइड कंपाउंड आ गया। ऐसे कुछ मेटल मेटल कार्बोनेट भी है, जो मेटल कार्बोनेट होते हैं वो कंपाउंड्स कंटेन नहीं होते हैं आपके ऑर्गेनिक के अंदर, बिकॉज दे आर नॉट शोइंग अ प्रॉपर्टीज ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इज दैट क्लियर? तो ये क्लासिफिकेशन हो गया हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अब बात करते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, जो स्पेशल स्टडी करने वाले हैं हम, ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, स्पेशल स्टडी हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल शुगर, आपने शुगर जो एक्सट्रैक्टेड है लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकाला है, जैसे कि शुगर केन शुगर होता है, ओके, केन इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो वहाँ से निकाला गया है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकालने वाले सोर्स को आप क्या बोल सकते हो? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हो। यूरिया इज वन ऑफ द एग्जांपल, यूरिया भी एक वन ऑफ द एग्जांपल, द फर्स्ट सिंथेसाइज मॉलिक्यूल इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला सिंथेसाइज वाला मॉलिक्यूल जो था आपका वो था यूरिया। यूरिया आपका किस तरह से होता है? सी डबल ओ होता है, इस साइड में एन एच टू होता है और इस साइड में भी एन एच टू होता है, दैट इज अ यूरिया कंपाउंड। ओके, ये यूरिया होता है आपका, और यहाँ पे C6H12O6 ये आपका शुगर कंपाउंड होता है। केन शुगर को हम C12H22O11 से काउंटिंग करते हैं, दैट इज सुक्रोज जिसको हम बोलते हैं। ओके, तो ये भी आपका क्या है? शुगर का पार्ट है। तो दिस इज द पर्टिकुलर एग्जांपल विच इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एग्जांपल किसके आते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल आते हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा है ये। तो गाइस अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम बात करते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की। ओके, तो इज अ स्टडी ऑफ ए नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज अ रॉक्स, सच एज अ मिनरल्स। कुछ एग्जांपल मिनरल्स के भी आ जाते हैं आपके, अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग रॉक्स के अलग अलग मिनरल्स होते हैं आपके, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा एग्जाम्पल आपके इसके अंदर आ जाएंगे। तो दिस इज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये किसके एग्जाम्पल है? आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं 1855 की बात करते हैं। इन 1855 में क्या हुआ था? बर्जिलियस नाम का साइंटिस्ट था, जिसका फोटो आपको दिख रहा है। बर्जिलियस ने एक विटल फोर्सेस अप्लाई किया था। ओके, एग्जैक्टली क्या होता है? प्रपोज द विटल फोर्सेस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, विटल फोर्सेस एक रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस था जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक रिस्पॉन्सिबल था। ओके, दैट इज अ फोर्स विच इज ऑर्गेनिक कंपाउंड का इन्वेंशन उसके बेसिस पे हुआ था। इस साइंटिस्ट का नाम था बर्जिलियस, इसका नाम क्या था? बर्जिलियस। तो 1815 में हुआ था। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि 1815 में ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के इन्वेंशन के बारे में स्टडी होना शुरू हो गया था एट विटल फोर्सेस के थ्रू। बर्जिलियस द फर्स्ट साइंटिस्ट विच इज द डिस्कवर अबाउट दैट वन। ओके, इन 1828 में उल्वर नाम का साइंटिस्ट था, जिसका फोटो आपको दिख रहा है, वेरी स्मार्ट। ओके, तो ये बंदा भी था, तो सिंथेसाइज किया था इसने कंपाउंड यूरिया फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि मैंने आपको बताया था, द फर्स्ट सिंथेसाइज मॉलिक्यूल इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि एक पहले ऐसा माना गया था, जैसे कि बर्जिलियस ने कहा गया था कि जितने भी
विटल फोर्सेस के अकॉर्डिंग जितना कहा गया था उसके कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के सोर्स से ही हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी कर सकते हैं। वी कैन नॉट प्रिपेयर इन द लेबोरेटरी, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, ये वर्जिलियस का कहना था। लेकिन उल्वर नाम के साइंटिस्ट ने ये प्रूफ करके दिखाया कि वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन द लेबोरेटरी, लैब में हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को भी बना सकते हैं, और ये प्रूफ करके दिया। द फर्स्ट सिंथेसिस मॉलिक्यूल जो किया था उसका नाम था यूरिया, उसका नाम क्या था, यूरिया। यूरिया का स्ट्रक्चर मैंने आपको पीछे निकाल के दिखाया था, आई होप सो इसी वीडियो में आपको निकाल के दिखाया था, आपको आ जाएगा। एक बार देख लीजिए, आप देख लो NH4CNO, ये अमोनियम साइनेट फोर्स है आपका, अमोनियम साइनेट की रिएक्शन की गई थी। अमोनियम साइनेट की रिएक्शन की करने के बाद इसको हीट किया गया और अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया गया था। यूरिया इस तरह से स्ट्रक्चर था आपका यूरिया का। C(O) दैट इज अ कार्बन, विच इज अ से दैट इट इज अ कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन कंटेनिंग है और ये सारी प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक की दिखाता है। तो इसने उल्वर ने ये प्रूफ करके दिखाया कि हम लैब के अंदर बैठ के भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को बना सकते हैं अमोनियम साइनेट का यूज़ करके। ओके, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये वैलेंसीज का जो प्रकार है वो तो मैं आपको समझा दिया था, आई होप सो ये रिएक्शन आपको दिमाग में बैठ गई है। डोंट वरी, किस तरह से कंपाउंड को बोला जाता है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ दैट कंपोनेंट्स, ओके, ये सारी स्टडी, बेसिक वाली स्टडी जो है वो हम आज ही इसी लेक्चर में करने वाले हैं, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आई होप सो। यूरिया आपने देख लिया, उल्वर नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था, किस तरह से बनाया था ये भी पता चल गया आपको। अमोनियम साइनेट का यूज़ किया था, अमोनियम साइनेट क्या था, इनऑर्गेनिक, याद रखो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज़ करना पड़ा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज़ करना पड़ा था, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस करके हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करके हमने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यूरिया बनाया था, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। इस प्रोजेक्ट में उल्वर्न साइंटिस्ट का 1828 में सबसे बड़ा रोल रहा था, एंड दैट इज़ अ वेरी मच इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट सिंथेसाइज मॉलिक्यूल इन द लेबोरेटरी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन द लेबोरेटरी, दैट इज़ अ यूरिया। आई होप सबको समझ में आ गया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था, इनऑर्गेनिक से बनाया हुआ है। ओके, तो सो विटल फोर्सेस वॉज द डिसप्रूव बाय द उल्वर, तो विटल फोर्स जो था कि हम नहीं बना सकते, हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लैब ने नहीं बना सकते, ये आपको डिसप्रूव करके दिखाया किसने, उल्वर ने, क्योंकि उल्वर ने तो बना के दिखा दिया कि नहीं, वी कैन ऑल्सो प्रिपेयर द मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन द लेबोरेटरी। इसके बाद जो रिवॉल्यूशन हुआ, दैट शुड बी वेरी अमेजिंग गाइज। ओके, इसके बाद जो इन्वेंशन होते गए वो बहुत खतरनाक हुए, एक से एक बढ़कर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को बनाया गया लैब के अंदर बैठे बैठे। से 1845 की बात करते, कोलबेज नाम का साइंटिस्ट आता, कोलबेज का नाम आप लोगों ने अच्छे से सुना है, मैंने पढ़ाया था आपको, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड बनाया था। ओके, कोलबेज का बंदा सिंथेसाइज द एसिडिक एसिड फ्रॉम इट्स एलिमेंट, आपको बताया कि हमने एसिडिक एसिड का भी प्रिपरेशन किया था कोलबेज प्रोसेस के अंदर, कोलबेज सिंथेसाइज प्रोसेस होती है। एसिडिक एसिड पहला मॉलिक्यूल, ये भी पहला सेकंड मॉलिक्यूल था एसिडिक एसिड जो कोलबेज ने 1845 में बना के दिखाया लैब के अंदर। ओके, इस एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड क्या होता है, एसिडिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है गाइस, विनेगार में होता है, आपको पता है अच्छी तरह से, विनेगार में होता है, आपको मालूम है, मैंने पढ़ाया था आपको कि विनेगार के अंदर होता है। विनेगार कहाँ यूज़ करते हैं हम, विनेगार यूज़ करते हैं हम फूड प्रिजर्वेशन में, कहाँ यूज़ करते हैं हम, फूड प्रिजर्वेशन में यूज़ करते हैं विनेगार को। ओके, तो विनेगार में होता है आपका एसिडिक एसिड, तो विनेगार फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ किया जाता है। किस साइंटिस्ट ने बताया था, ओलबेज ने बताया था, कब बताया था, 1845 में बताया था, इस बात को याद रखना, ये कभी कभी जीके नॉलेज के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं। 1856 में बर्थलॉट नाम के साइंटिस्ट ने, बर्थलॉट भी देख लो कितना स्मार्ट है दिखने के लिए, ओके, सिंथेसाइज द मीथेन, द फर्स्ट मॉलिक्यूल, ओके, जो कि गैसियस स्टेट में था, तो फर्स्ट मॉलिक्यूल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी बहुत अलग है, उसके नेचर में उसकी प्रॉपर्टी बहुत अलग है। मीथेन नाम का, मीथेन को हम मार्स गैस भी बोलते हैं गाइस। ओके, मीथेन को हम क्या बोलते हैं, मार्स गैस भी बोलते हैं। आपको पता है कि इसके अंदर, इसको मार्स गैस से भी जाना जाता है, ये भी नोट कर लेना आपने, मार्स गैस। और मीथेन का 80% पार्ट जो होता है, 80% पार्ट वो नेचुरल गैस में होता है, इसमें होता है वो नेचुरल गैस में होता है 80% पार्ट, और रिमेनिंग पार्ट आपका अलग अलग गैसेज आपके नेचुरल गैस के अंदर आ जाते हैं। ओके, अलग अलग गैसेज आपके नेचुरल गैस में आ जाते हैं, जैसे कि प्रोपेन आपका 10% होता है, अदर नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैसेज आपके 10% के फॉर्मेट में आ जाते हैं। तो मार्स गैस 100% आपका क्या होता है, मीथेन होता है। तो बर्थलॉट नाम के साइंटिस्ट ने, बर्थलॉट नाम के साइंटिस्ट 1856 में ये प्रूफ करके दिखाया कि वी कैन प्रिपेयर
मिथेन ऑल्सो इन द लेबोरेटरी ओके, तो ये भी बना के दिखाया था, सिंथेसाइज किया मॉलिक्यूल ओके। मिथेन इज अ नेचुरल गैस में 80% होता है, बट लैब में बनाना जरूरी था। लैब में बर्थलॉट नाम के साइंटिस्ट ने बना के दिखाया, उसकी बात अलग ही है। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ओके। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, अब सबको हिस्ट्री समझ में आ रही है सबकी ओके। डोंट वरी, बेसिक कंसेप्ट जो है हम वो पढ़ने वाले हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, अगर मैं क्वेश्चन डाल दूं आपको कि किससे एक्सट्रैक्टेड किया ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से किया, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से किया, या अर्थ क्रस्ट से किया, या फिर हमने सी से किया, तो आपको अच्छी तरह से बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द, डेफिनेटली सर आंसर क्या होना चाहिए इसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। क्या आंसर होना चाहिए इसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म। बात करते हैं हम नेक्स्ट इसके ओके। तो होमोजेनियस सीरीज जो है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और आज के जो ये आज का पार्ट था ये हिस्ट्री के बेसिस पे पार्ट था आपका, हिस्ट्री के रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड पार्ट था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एग्जैक्ट क्या होती है आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इंट्रोडक्शन प्लस हिस्ट्री, किसने किसने इन्वेंशन किया, कौन आया था, किस तरह से इन्वेंट किया गया, व्हाट इज द विटल फोर्सेस, व्हाट इज द उल्वर फोर्स, उल्वर ने कौन सा इन्वेंशन किया, उसने कौन सा मॉलिक्यूल इन्वेंट किया, और फर्स्ट साइज मॉलिक्यूल कौन सा था, यूरिया था, ये आपको पता चल गया, ये सब हिस्ट्री के बारे में पता था आपको। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे गाइस, वो नेक्स्ट वीडियो का पार्ट दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट सिंथेसिस ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ऑब्टेन फ्रॉम, ये तो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस मैं आपके आगे ही लूंगा, अभी नहीं, तो ये आप देख लीजिए। तो पार्ट थ्री आपका, पार्ट टू खत्म हो गया, पार्ट थ्री आने वाला है। पार्ट थ्री होगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट गाइज, ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस पार्ट पे आपके सारे बेसिक कंसेप्ट ऑर्गेनिक के स्पोज से बेसिक कंसेप्ट है जो रिलेटेड है आपके होमोजीनियस सीरीज से और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से। इसके अंदर होमोजीनियस सीरीज आ जाएंगी, होमोजीनियस सीरीज आ जाएंगी, होमोजीनियस सीरीज आपको पता है। सेकंड आपका नोमेनक्लेचर आ जाएगा, नोमेनक्लेचर की वीडियोस, नोमेनक्लेचर की वीडियोस जो है मैं ऑलरेडी कुछ वीडियोस मैंने डाले हुए, बट वो पेपर सॉल्यूशन है, वो क्वेश्चंस है। अब मैं आपको नोमेनक्लेचर का सारा बेसिक रूल्स, इसके सारे रूल्स जो है, जितने भी रूल्स हमने पढ़े हैं वो सारे रूल्स यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम पढ़ेंगे, टोटल रूल्स पढ़ेंगे एक से एक बढ़कर ओके। पहला रूल से हम लास्ट के रूल तक पढ़ने वाले, इसके अंदर आपको वो सारे रूल्स पढ़ने आएंगे जो आपको बेसिक्स है, जो आपके स्टेट बोर्ड में आते हैं, जो आपको सीईटी में आएंगे, जो आपको नीट और जेईई में भी आएंगे, ऐसे सारे क्वेश्चंस के रूल्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले। तो पार्ट थ्री का जो पार्ट है उसके अंदर नोमेनक्लेचर के कुछ 3 से 4 वीडियोस बनेंगे, इसके नोमेनक्लेचर के मेरे हिसाब से कुछ 5 वीडियोस बन जाएंगे इसके, तो 5 वीडियोस बन जाएंगे, कुछ बड़ी सीरीज हो गई गाइस ओके। पार्ट थ्री में होमोजीनियस और नोमेनक्लेचर का बेसिक कर्ज, नोमेनक्लेचर के कॉमन नेम सिस्टम हम पढ़ लेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम सिस्टम भी आपको आना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी नोमेनक्लेचर में कॉमन नेम सिस्टम को भी यूज़ किया जाता है। तो आई होप सो, तो कॉमन नेम सिस्टम को जब यूज़ करेंगे तब आपको अच्छी तरह से पता है कॉमन नेम सिस्टम में जब यूज़ करना है तो इस बेसिस को भी आपको समझ में आएगा किस तरह से करना है। तो प्लीज़ गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिनके भी वीक कंसेप्ट है उनको ये वीडियो शेयर करिए, ताकि वो भी आपके साथ पढ़ सके, वो भी अपने कंसेप्ट स्ट्रांग बना सके। और ये नीचे मैंने दिया है इंस्टाग्राम की, आपको दी है आईडी, इंस्टाग्राम की आरसीसी के एचएम आईडी दी है, इसको भी फॉलो करिए आप ओके। इसके ऊपर भी आपको लिंक मिल जाएगी, इसके ऊपर आपको नोट्स मिल जाती है, इसके ऊपर नोट्स मिल जाएगी, फेसबुक की भी लिंक आपको मिल जाती है, इसके ऊपर आपको वहाँ से भी नोट्स मिल जाती है। तो ये अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच गाइस।